केवड़िया जिला पंचायत सीट के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार का किया श्री गणेश। केवड़िया जिला पंचायत सीट में समावेश गांव में किया डोर टू डोर प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने इंडिया खबर लाइव टीम से की विशेष बातचीत। पंचायत चुनाव का महासंग्राम 28 फरवरी को। प्रस्तुत है नर्मदा जिला गुजरात से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। स्थानिक स्वराज के चुनाव का आगाज हो चुका है और हर एक पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में अपना दम लगा रही है, जिसके भागरूप आज केवड़िया जिला पंचायत सीट के आमरला तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार अपनी चुटनी प्रचार को लेकर आज वो लोग निकले हैं। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो भारतीय जनता पार्टी केवड़िया जिला पंचायत की सीट के लिए आज ये दोनों उम्मीदवार जो है वो अपने चुटनी प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पर आमरला तालुका पंचायत सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू भाई तरी उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे। जी राजू भाई, आज आप चुटनी प्रचार के लिए निकले हो, कैसा प्रचार और कैसा प्रतिभाव? अभी हमड़ा अमे आव्या छे, शुरुआत करी छे। आजे भारतीय जनता पार्टी नी अंदर अमने आमदला सीट एक एमां अमे उम्मेदवारी करी छे। एमां लोकोनी साथे सौनो साथ सौनो विकास एवी वातो करीने अमे लोको पासे मत मांगीशुं એવી અભિલાષા કરીએ છીએ। ગામ લોકો પાસેથી તેમજ મતદારો પાસેથી શું અપેક્ષા રાખો છો? અપેક્ષા એટલે અમારે એમને જે જાહેર જનતાનું જે કામ છે એ અમે જાહેર જનતાનું કામ કરીએ છીએ। બીજેપી સરકાર, મોદી સરકાર કે જાહેર જનતાનું કામ સરકાર સારી છે। हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार दिनेश भाई उपस्थित है, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। जी दिनेश भाई, आज आप चुटनी प्रचार के लिए निकले हो, तो कैसा प्रचार और कैसा प्रतिभाव? सबसे पहले तो यहाँ का जो एक प्राचीन मंदिर है महादेव जी का, वहाँ से हमने शंखनाद किया है हर हर महादेव, और उधर से कैंपेन डोर टू डोर करने का आज का प्लानिंग था तो स्टार्ट किया है। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छी तरह मिल रहा है कि जो अभी राजू भाई ने बताया वही कि सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का अच्छा प्रतिभाव हमको मिल रहा है और विनिंग करके रहेंगे। जी दिनेश भाई, अगर इस चुनाव में शायद आप जीत जाते हो तो प्रजा के लिए आप किस तरह के काम करोगे? एक्चुअली इलेक्शन और उम्मीदवारी का यही एक मकसद होना चाहिए उम्मीदवार का, कि लोगों की क्या समस्या है और उसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, ये इसके लिए ही हम आगे बढ़े हैं और देखते हैं। दिनेश भाई, देखा जाए तो यहाँ पर आप केवड़िया जिला पंचायत सीट पर खड़े हो और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया के नजदीक आई हुई है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है वो ट्राइबल एरिया है और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगारी को लेकर है, तो रोजगारी के लिए आप लोगों के लिए किस तरह से काम करोगे? अभी अभी हमने यहाँ पर महादेव जी का जो मंदिर है उसके प्रांगण में हमने यही डिस्कस किया है कि सबसे जो मेन इश्यू है, जो एक सेंसिटिव प्रॉब्लम है इधर का, वो रोजगारी का प्रश्न है। तो रोजगारी के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और नवयुवा को मैं ये बता रहा हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर हमें ये तक मिली है और ये तक को हम आगे बढ़ाएंगे और सबको चांस ये मिलना चाहिए। तो मेरा भी सबसे पहला प्रायोरिटी मेरी यही होगी कि लोगों को रोजगारी मिले और उसमें मेरी तरफ से पूरा प्रयास ये रहेगा। लगभग स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अगल बगल के जो भी गांव है उसमें से 18 से जितने नौजवानों को ये रोजगारी मिली है, और जो बाकी है, जो ये मेरे पीछे भी जो टीम खड़ी है ये, और जो गांव के मेरे मत क्षेत्र के जो भी गांव है उसमें जो भी नवयुवा है पढ़े लिखे उसको भी ये रोजगारी मिले, ये मेरी तरफ से पूरा प्रयत्न रहेगा। दिनेश भाई, खास करके देखा जाए तो आज आप यहाँ पर चुटनी प्रचार का श्री गणेश किया है, तो आपका ये चुनाव का मुख्य मुद्दा कौन सा रहेगा? मुख्य मुद्दा है चुनाव का ये जो विकास के लिए जितना भी काम अभी बाकी है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, रोजगारी का प्रश्न है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास जो 6 गांव है वो 6 गांव का जो प्रश्न है बरसों से जो अनसुलझा है उसको मैं पूरी प्रयत्न मेरी तरफ से ये रहेगा कि ये प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकें। मतदारों का विश्वास आप किस तरह से जीतोगे? मतदारों का विश्वास यही तरह जीतूंगा कि मैं पिछले 10-15 साल से ये लोक सेवा का काम कर रहा हूँ तो लोगों को मुझ पर एक विश्वास है कि ये जो भाई है ये सही कदम उठा रहा है, सही काम कर रहा है, वही हेतु से यही प्रयास से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये थे यहाँ पर हमारे केवड़िया जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार और आमरला तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार, जो लोग आज अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। अब 28 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, अब देखना यह रहा यहाँ पर मतदार किसे चुनती है और कौन सी पक्ष की सत्ता को यहाँ पर वो जिला पंचायत और तालुका पंचायत में बिठाती है। कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।